धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जब अंतिम समय आया तो संगत बैराग करने लगी। ऐतिहासिक घटना है सत्संगत। संगत बैराग करने लगी, उदास हो गई, रोने लगी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज छोड़कर जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए थे। दास से पॉइंट इसलिए ले रहे हैं, इसलिए बात निकाल रहे हैं, क्योंकि आज हम सारी संगत मिलकर कहाँ जा रहे हैं? श्री हजूर साहब, सचखंड तख्त श्री हजूर साहब। इसका नाम हजूर साहब क्यों पड़ा? जब संगत बैराग करने लगी, रोने लगी, तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए कि उदास मत हो। जब भी कोई सिख यहां पर अरदास करेगा आके, मेरा सेना वहां पर हाजिर होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उच्चारण किए कि मेरा सेना वहां पर हाजिर होगा, भाव में वहां पर बैठा हूँ, हाजिर कहा है, इसलिए उसका नाम पड़ा हजूर साहिब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हाजरा हजूर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना साथियों, हम कहाँ जा रहे हैं? श्री हजूर साहब दर्शन यात्रा। श्री हजूर कौन है? हाजरा हजूर गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना, हाथ जोड़कर दास की विनती है, मेरे दर्शनों के लिए नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जहाँ भी जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझना, मर्यादा भी एक चीज़ होती है। आप प्यार करते हो, आपके चरणों में मेरा सर, मुझे घेर कर रखते हो, फोटो खींचते हो, सेल्फी लेते हो, मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, आपका कोट कोट धन्यवाद, इतना प्रेम करते हो। पर एक मर्यादा को समझो, जब गुरु घर में आ गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने, तब एक मर्यादा बांध लो। तब तो और कोई दिखाई ही नहीं देना चाहिए। आप हरिमंदर साहिब में देखो, हम दर्शन करने गए थे, सीढ़ियाँ दास नीचे उतरा, वापस आ गया, अंदर माथा टेकने ही नहीं गया, क्योंकि संगत मर्यादा में नहीं थी। संगत क्या कर रही थी? मुझे ही देखती जा रही, मेरी फोटो भी। अरे सामने हरिमंदर साहब है भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम किसी भी दरबार में जा रहे हैं, बंगला साहब जा रहे हैं, सीसगंज साहब जा रहे हैं, मैं डर के गया नहीं, क्योंकि संगत मर्यादा में नहीं थी। अब बात को समझो, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है कि हम क्या करने आए? मुझसे मिलने तो आप यहाँ पे आ ही जाते हो। अब जब जा रहे हैं श्री हजूर साहब दर्शन यात्रा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, आप मुझे प्यार करते हैं, रास्ते में जितना प्यार करना कीजिए, पर एक बार सचखंड में अगर प्रवेश कर लिया तो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, सुरती केवल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन में। एक बार सचखंड में प्रवेश करके कोई मोबाइल बाहर ना निकाले, कोई फोटो ना खींचे, कोई वीडियो ना बनाए, कोई मुझसे मिलने की कोशिश ना करे। मैं तो बेनती करूँगा मेरी तरफ देखे भी ना, सच कहता हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो मुझ पर भी पाप चढ़ता है, आप पर भी चढ़ता है। सामने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो और आपका ध्यान मुझ पर, और मैं भी फिर आनंद नहीं ले पाता हूँ। और जो वहाँ के जो मुख्य प्रबंधक होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई साहब आपने सिखाया क्या इन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी संगत जो सुन रही है, जो साथ में चल रही है, जो रास्ते में साथ में ज्वाइंट हो गया, जो वहाँ पर हजारों की तादाद में संगत पहुँच रही है हर जगह से, सबके चरणों में बेनती है, मैं बाहर जब आ जाऊँ मुझे मिलिए। पर एक बार सचखंड में प्रवेश करके वहाँ पर कोई फोटो नहीं, कोई सेल्फी नहीं, मर्यादा में रहिए, वरना मैं फिर यहाँ पर भी दर्शन नहीं कर पाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि तौहीन हो जाती है प्रेम की, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। मेरी हाथ जोड़कर बेनती है ताकि मैं भी दर्शन कर सकूँ, हम वहाँ पर मिलकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दर्शन करें, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से झोलियाँ भर कर आए। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु। अच्छी घटना है बंगला साहब के पास, ये घटना भी भाई साहब गुरुकृपाल सिंह जी सुनाई है। कहले बंगला साहब के पास मेरी तबीयत खराब हो गई। कहले कि वहाँ पे शाम का कीर्तन, गला खराब, मन बहुत खराब कि कीर्तन करने संगत आने वाली, तो प्रबंधक कहने लगे भाई के डॉक्टर से इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ तो शाम का प्रोग्राम कैसे होगा। तो कहने की यहाँ पर एक बाबा है, पीर बाबा, वो चूरन देता है, कोई भी बीमारी वो ठीक हो जाती है, वहाँ पे चलो ना हमारे साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरुकृपाल सिंह कहने लगे मैंने सर पे हाथ मारा, भाई क्या है ये, इतना कुछ ज्ञान होने के बाद भी ये कह रहे बाबा के पास चलो, मुझे कह रहे वो भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जब सबने कहा ना कि वो चूरन देता है, कोई भी बीमारी वो ठीक हो जाता है, कह लेंगे मैं चल पड़ा देखने के लिए, चूरन खाने के लिए नहीं, कि भाई करता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
वहाँ गया तो सबने कहा कि बहुत बड़ी हस्ती है, तो उसने सत्कार किया और सबसे अलग टाइम दिया उस पीर बाबा ने। तो कहने लगे, मैंने उससे पूछा तो मुझे बता ना इस चूरन में है क्या, इतनी लाइन लगी पड़ी है बाहर, इतने सारे सिख खड़े लाइन लगी पड़ी है चूरन लेने के लिए, है क्या इसमें। कहने लगा, ये तो मेरा बिजनेस सीक्रेट है। फिर जी बोले, धन गुरु नानक, बता दूंगा तो लोगों की लाइन टूट जाएगी। कहने लगे, मैंने उससे कहा किसी को नहीं बताऊंगा। फिर जी बोले, धन गुरु नानक, मुझे बता दें। कहने लगे, जब दो तीन बार कहा तो उसने कहा पहले सबको बाहर भेजो, बाहर भेजा मैं अकेला। और वो क्या कहता है पीर, कहता चूरन कहा है। फिर जी बोले, धन गुरु नानक, मैं बंगला साहब श्री हरकिशन ते आई है जिस डिठे। कहते बंगला साहब के बाहर भीख मांगा करता थे, भिखारी था मैं, भिखारी भीख मांगते, मैं भीख मांगा करता था, अल्लाह के नाम पे दे दे, लोग दे देते थे। मैंने वहां पर देखा लोग चरण दूध लेकर अपने माथे पे लगाते हैं। फिर जी बोलिए, धन गुरु नानक, जोड़े घर से चरण दूध लेकर। मैंने पूछा इससे क्या होता है। कहने लगे, इससे बीमारियां ठीक हो जाती है, बरकत आ जाती है, लेख बदल जाते हैं। तो कहने लगे, मैंने रोज चरण दूध लेने इकट्ठी कर दी, उसमें नमक मिलाए, पूड़िया बनाकर देने शुरू कर दी, दुकान खोल दी। फिर जी बोलिए, धन गुरु नानक। कहते हैं इन सिखों को अपने गुरु पे विश्वास नहीं है, मेरे दर पे आके धक्के खाते हैं, ऊपर से 500,000 देकर जाते हैं, पूड़ी लेकर जाते हैं। फिर जी बोलिए, धन गुरु नानक। अपने गुरु पे भरोसा नहीं है, जहां पे जिसके दर के चरण धूड़ी से बीमारियां दूर हो रही है वो मेरे दर पे आके धक्के खा रहे हैं, मैं दे वही रहा हूँ, वहां की चरण धूड़ी में नमक मिला के दे रहा हूँ। फिर जी बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हमारी हालत है, हमारे पास हीरे मोतियों का खजाना है बेशकीमती, पर हम दर दर के भिखारी हैं। फिर जी बोलिए, धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, वाणी की ताकत का नहीं पता। सच्चे मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी, इस वाणी से बड़ा ना कोई मंत्र है ना कोई जंत्र है। नमो मंत्र मंत्रन, नमो जंत्र जंत्रन, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिखते हैं जाप साहब जी की वाणी में। हर से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।